एक तो इस गर्मी ने जलील कर दिया है, शुक्र है ये पंख। पंख तूने भी अभी बांधाना था, लाना था। एक तो ये वापडा वाले जो है ना, अगर ये बख्शे गए तो हमें किसी ने नहीं पूछा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये कार के स्पेयर पार्ट की दुकान है। पंख नहीं तो आपको ये क्या दिख रहा है? मैं पागल हूँ? नहीं मैं पागल हूँ नहीं, हरकतें तो आपकी पागलों वाली है। Oh, no! एक तो वापडा वालों ने जलील किया, ऊपर से आप जैसे लोग आ जाते हैं। बताओ क्या काम है? अच्छा भाई, मुझे ना कार के लिए कोई सामान चाहिए था। पंख ये सबसे पहले तो मुझे आप एयर फ्रेशनर चेक करवा देना था। ये ले भाई। खुशबू तो अच्छी है इसकी। अच्छा मुझे जो है ना और भी कुछ सामान चाहिए। पंख ये दिखा दें। और वाह मौला, तेरा शुक्र है, आज तो मोटा गाग आ गया है। आधे घंटे बाद। हाँ भाई, सामान आपका सारा आ गया है। पंख और बिल आपका बन रहा है टोटल 50,570 रुपए। अच्छा भाई, ये सामान पैक करके आप साइड पे रख दे, मैंने डाली हुई है कमेटी 5 साल की, वो बस निकलने ही वाली है। जैसे वो निकलेगी मैं अपनी गाड़ी लेकर ना आपके पास आऊंगा और ये सारा सामान ले जाऊंगा। अच्छा भाई, और कब निकलनी है जनाब की कमेटी? अरे भाई, निकलने वाली है ना, सिर्फ 4 साल और 11 माह तो रहते हैं। Oh, no! अच्छा, कमेटी निकलनी है 5 साल बाद और सामान अभी से लेने आ गए। अगर भाई आपको मेरा एतबार नहीं है तो आप मेरा बयाना जमा कर ले। तो ये क्या है, मैं तुझे भिखारी लगता हूँ?